आज इस वीडियो में हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि आप धनतेरस पर क्या चीजें खरीद सकते हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड आए हैं, मार्केट में क्या क्या चीजें नई आई हैं। All the ladies love jewelry, so we are waiting for Dhanteras to buy jewelry. So I'm here today to buy jewelry for myself and for my daughters. धनतेरस में लोग गोल्ड खरीदते हैं, ये शुभ माना जाता है, हमारी ट्रेडिशंस है, शुरू से ही लोग सोने के लिए ही वेट करते हैं। ये त्यौहार आना, हमें सोना खरीदना है। पूरा डिनर सेट दिखाओ, ये हमें डिनर सेट लेते हैं, बर्तन में बोल लेते हैं, स्टील की ज़्यादा आइटम ज़्यादा लेती है, क्रॉकरी काम स्टील ज़्यादा होता है। धनतेरस के जो शुभ होता है, जो बर्तनों की ले स्टील की आइटम कोई भी लेंगे। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। मैं हूं आपके साथ रिद्धि भंडारी। और धनतेरस मतलब कुछ ना कुछ नई शॉपिंग करनी है हमें, तो आज इस वीडियो में हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि आप धनतेरस पर क्या चीज़ें खरीद सकते हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड आए हैं, मार्केट में क्या क्या चीज़ें नई आई हैं, ज्वेलरी की बात हो, बर्तनों की बात हो, क्योंकि हर एक घर का अलग ट्रेडिशन होता है। कुछ लोग इस दिन ज्वेलरी खरीदते हैं, कुछ लोग बर्तन खरीदते हैं। तो आइए आपको इस वीडियो में हम दिखाते हैं कि कैसे इस बार नए ट्रेंड्स आए हैं, क्या चीजें चेंज हुई हैं। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। तो भाई, धनतेरस की बात हो और ज्वेलरी ना आए ऐसा हो नहीं सकता, तो आज हम आपको मॉल टाउन ले आए हैं, जहाँ पर ज्वेलरी शॉप के जो ओनर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। तो वो आपको बताएंगे कि धनतेरस पर इस बार क्या चीज़ें डिमांड में हैं, क्या चीज़ों का ट्रेंड है, क्या आप धनतेरस पर खरीद सकते हैं और क्या शुभ है आपके लिए। तो सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो सर, थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि इस बार धनतेरस पर क्या लोग शॉपिंग कर सकते हैं, क्या उनके लिए मतलब शुभ माना जाता है। धनतेरस में लोग गोल्ड खरीदते हैं, ये शुभ माना जाता है, हमारी ट्रेडिशंस है, शुरू से ही लोग सोने के लिए ही वेट करते हैं। ये त्यौहार आना, हमें सोना खरीदना है, तो उसके लिए लोगों को इनक्रेज रहती है। लोग पहले ही पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, हमने उस दिन ही पैसे खर्चने हैं। तो आजकल काफ़ी चल रहा है, लोग अपने डिफरेंट चीज़ें लेते हैं जिसमें उनको पैसे की वर्थ हो और क्वालिटी वाइज अच्छी हो। तो इसलिए हम काफ़ी चीज़ें पेश कर रहे हैं, जैसे हम डायमंड में कर रहे हैं, कुंदन में कर रहे हैं और पोल्की में भी कर रहे हैं, डायमंड पोल्की में कर रहे हैं। आजकल वो भी बहुत क्रेज़ है, लोगों को अच्छा लगता है, अच्छी क्वालिटी और अच्छी चीज़ें, अच्छी डिज़ाइनिंग। लोगों को यही रहता है, अगर मैंने पैसे खर्चने हैं तो मैं अच्छे ढंग से खरीदूं, डिज़ाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, वेट कम होना चाहिए और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मॉल टाउन में यही क्रेज, हर बच्चा को नॉलेज है, 100% कस्टमर को नॉलेज है ईच एंड एवरीथिंग, डायमंड क्या है, क्या चल रहा है, कौन सी कलर है, कौन सी क्वालिटी है। तो इसलिए डिज़ाइनिंग अच्छी हो तो बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती और लोगों को अच्छा भी लगता है और पैसे की वर्थ भी लोगों को मिलती है। तो सर, डिमांड की बात करें या ट्रेंड की बात करें, तो इस बार धनतेरस पर या धनतेरस नहीं मतलब नॉर्मली हम बात करें तो इस बार क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चीज़ें लोग खरीद सकते हैं? आजकल लोग डायमंड में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, जो यंग जनरेशन है वो डायमंड में डील कर अच्छा लगता है उनको। ट्रेडिशन गोल्ड चल रहा है, वो बड़े लोग जैसे ट्रेडिशन गोल्ड चाहते हैं वो वही लेते हैं। डायमंड पोल्की में अलग डिज़ाइनिंग है और रिंग्स वगैरह कलर स्टोन में और डायमंड में और गोल्ड में डिफरेंट कलेक्शन चाहिए, जो कभी बहुत प्रॉपर ढंग से बनी हो और किसी में कोई भी एरर ना हो। हर लोग चाहते हैं, जो मैंने पैसे खर्चने हैं उसको मेरे को पूरी वर्थ होनी चाहिए। अगर मैं डायमंड दे रहा हूँ तो मेरे को तो डायमंड का वेट पूरा होना चाहिए, कलर स्टोन दे रहा हूँ कलर का ब्रिकर निकालना चाहिए। तो हमने सर एक एक चीज़, एक एक डायमंड लेस होता है, गोल्ड के पैसे अलग लगते हैं, डायमंड और स्टोन के पैसे अलग लगते हैं, क्वालिटी कॉन्शियस हैं, प्योर वाइट डायमंड बेचते हैं। तो इसलिए लोगों की भीड़ लगी रहती है, एक के पीछे दो, दो के पीछे चार, वही हम काम कर रहे हैं। हम काफ़ी 25 साल से ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है, हम तो बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सर, अगर धनतेरस की बात करें तो ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की रहती है, गोल्ड की, डायमंड की या किसी और मेटल की, या क्या चीज़ की डिमांड रहती है ज़्यादा? ये तो हर चीज़ की डिमांड है, जिस लोगों को जो पैसे की वर्थ लगती है। अगर मैं डायमंड की क्वालिटी अच्छी बेच रहा हूँ, प्राइस रीजनेबल है, तो लोग डायमंड खरीदने में भी परवाह नहीं करते। बाकी कई लोग होते हैं जिसने गोल्ड ही खरीदना है तो वो गोल्ड भी खरीद रहे हैं, गोल्ड में अच्छी मेकिंग, डिज़ाइनिंग और लेस वेट में, कम वेट में आप अच्छी चीज़ दे रहे हो तो कस्टमर की क्रेज़ है, कोई सोचता ही नहीं मैंने क्या लेना क्या नहीं लेना, और ले जाते हैं। और ब्रांड प्रोडक्ट भी लोग लेते हैं, अच्छी चीज़ें, अच्छी फिनिशिंग, तो लोग वही लाइक करते हैं। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं, अच्छी डिज़ाइनिंग दे रहे हैं और अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं और ट्रांसपेरेंट है, हर चीज़ की सिस्टम डिटेल, स्टोन, वेट सब निकला हुआ होता है। तो इसलिए कस्टमर को अच्छा लगता है, वो अपने विश्वास से कुछ भी ले जाते हैं।
हर रोज नए नए कस्टमर आते हैं, नए नए बच्चे आते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं, अच्छा लगता है हमें, हमें अच्छी चीज़ देख के कम रेट पे देख के और रीजनेबल रेट पे देख के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बड़ा मज़ा आता है। बच्चों से काम करें, गुड विशेस देते हैं, अच्छी फीडबैक देते हैं, तो हमें यही अच्छा लगता है। अगर मेरे अगर मैं खरीदने जाऊँ, मेरे पैसे की वर्थ पूरी मिलेगी, तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो इसलिए यही में हमें अच्छा लगता है, हमें इसी तरीके से काम कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। लोग डायमंड में तो खरीदते ही हैं, हर चीज़ खरीद लेते हैं, कुछ भी है, वैसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे कस्टमर्स भी हैं जो यहाँ पे ज्वेलरी खरीदने आए हुए हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। मैम स्वागत है पंजाब के। थैंक यू जी। तो पहले तो मैं बात करूँगी, हम बात करें धनतेरस के बारे में, ठीक है? तो धनतेरस पर आप कैसे मनाते हो, क्या तरीका रहता है आपका धनतेरस का मनाने का? क्योंकि देख रहे हैं हम कि आप ज्वेलरी लेने आए हो, तो कहीं अपना अपना ट्रेडिशन होता है सबका। एक्चुअली धनतेरस पे ऑल द लेडीज लव ज्वेलरी, सो वी आर वेटिंग फॉर धनतेरस टू बाय ज्वेलरी। So I'm here today to buy jewelry for myself and for my daughters. अभी तक क्या-क्या खरीदा है आपने? I bought these bangles and this set. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या चीज़ें, मतलब क्या सोच के आए थे दिमाग से कि ये चीज़ें लेनी है, पर यहाँ पे आके ये वो और भी चीज़ें पसंद आनी शुरू हो गई और वो भी हमने ले ली। One for myself. I'm just waiting for the size for tomorrow. तो अगर धनतेरस की बात करें तो आप क्या इसके अलावा ज्वेलरी के अलावा भी कुछ खरीदते हैं या ओनली ज्वेलरी? फॉर मी पर्सनली ज्वेलरी। एक्चुअली आई केम टू इंडिया एंड व्हेन आई वाज हियर आई ऑलवेज कम टू दिस शॉप। आई हैव फुल्ली ट्रस्ट फॉर माय सिस्टर, माय मम, माय भाभीज, ऑलवेज ऑल द ज्वेलरी आई बॉट फ्रॉम देम एंड आई हैव फुल्ली ट्रस्ट they are giving us the good price. It's a family relation with them. Yeah, I never go anywhere. Like I know these are the best designs I can get here. तो दिवाली से पहले धनतेरस आता है और धनतेरस पे हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या चीज़ खरीदें, क्योंकि धनतेरस पे ये शुभ माना जाता है कि हम अगर कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो चलिए हम आपको ना आज मार्केट में ले आए हैं और यहाँ पे बर्तनों वाले बाज़ार में, बर्तनों वाली शॉप पर लेकर आए हैं और अंकल से बात करते हैं कि इस बार क्या क्या वेराइटी मार्केट में आई है, क्या क्या चीज़ें जो है लोग डिमांड कर रहे हैं और क्या चीज़ें धनतेरस पर ज़्यादा डिमांड की जा रही है। सर पहले तो स्वागत है पंजाब के। तो सर धनतेरस आने वाली है, तो धनतेरस पर क्या क्या चीज़ों की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है? बर्तनों की ज़्यादा डिमांड होती है, बर्तन के डिजाइनिंग बहुत अच्छी आती है, जिदा देखो ये आइटम बहुत वधिया वधिया आई हैं, अच्छी रहती है। तंदुरुस्ती दो दिन पहले ही होती है, उस वे रश बहुत ज़्यादा, गल करने का टाइम ही नहीं होता, जो हम आप गल कर रहे हैं उस इन्ना टाइम नहीं होता, बस यही है कसम आया देती चीज़, कसम आया देती चीज़, बस इन्नी चीज़ ही होती है और कुछ है, मौसम भी ठीक है चीज़ वास्ते। धनतेरस अगर बात करें धनतेरस पे क्या क्या बर्तनों की ज़्यादा डिमांड करते हैं, मतलब ये चीज़ कुछ होते हैं कि ग्लास लेना, कुछ कहते हैं चम्मच लेना, तो क्या क्या चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है? डिमांड होता है कोई ग्लास ले जाता है, कोई कोई गड़वी ले जाता है, किसी का कोई कहता है थाल दे दो, किसी ने कोई कस्टमर ऐसा कहता है एक चम्मच ही दे दो, धनतेरस के लिए एक चम्मच ही लेके जाना है, वो चम्मच लेते हैं, हर चीज़ किसी की डिमांड होती है। कोई आता है पूरा डिनर सेट दिखाओ जी, हमें डिनर सेट लेते हैं, बर्तन में बोल लेते हैं, स्टील की ज़्यादा आइटम ज़्यादा लेती है, क्रॉकरी काम स्टील ज़्यादा होता है, धनतेरस के जो सूप होता है जो बर्तनों की स्टील की आइटम कोई भी नहीं है। जैसे ना इंडियन, हम इंडियन हैं तो हमारे भी यही होता है कि शुभ अशुभ बहुत मानते हैं हम कि ये चीज़ शुभ है, तो धनतेरस पे क्या लोग शुभ मानकर चीज़ें लेने आते हैं? फॉरेन कंट्री में बहुत आते हैं जो हमारे पंजाब लोग के गए होते हैं, इसी दिनों में आते हैं, वो भी बर्तन जरूर लेते हैं, चाहे दो चीज़ हो चाहे चीज़ें वो लेके जाते हैं, वो वहाँ बोर होते जहाँ आते हैं अच्छा लगता है उनको, धनतेरस के दिवाली मनाने के लिए बहुत आते हैं, दिसंबर में बहुत ज़्यादा आते हैं, नवंबर दिसंबर में बाहर के बहुत आते हैं, बच्चे वगैरह भी आते हैं, अपने पेरेंट्स भी कहीं गए हैं वो भी आते हैं, फिर वो अच्छा लगता है उनको। और अगर ग्लास की बात करें, जैसे देख रहे हैं पीछे बहुत सारी आइटम्स हैं, तो इसमें क्या क्या नई वैरायटी आई है, नए डिज़ाइन आए हैं जो लोग इस पर खरीद सकते हैं? वैरायटी की कोई बात नहीं, जैसे ग्लास होते हैं, ग्लास पहले प्लेन आते थे, अब डिजाइनिंग भी आते हैं, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसे शेपें आती हैं इनकी, अलग अलग ग्लास, वो ग्लास ही रहता है, कोई शेप आता है, जैसे देखो जो प्लेन है, ये प्लेन है, ऐसे छोटे छोटे डिजाइन ऐसे होते हैं, चेंज होती है कटोरी की कटोरी रहती है, लेकिन उनकी शेप चेंज होती है, कोई फ्लावर बना होता है, कोई पिंजर बना होता है, ऐसे होता है, प्लेट में साइज छोटे बड़े आते हैं, गड़बी के बहुत स्टाइलिश आते हैं आजकल, आजकल तो गड़बी डिजाइनिंग वाली है, उसमें कढ़ाई की हुई है, कढ़ाई की हुई है जैसे ये बहुत अच्छी रहते हैं, स्टील के बर्तनों की ज़्यादा डिमांड होती है। कई बार ना ऐसे कस्टमर भी हमारे पास आ जाते हैं जो अलग से डिमांड कर देते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो क्या क्या डिमांड्स होती हैं हमें? कस्टमर बहुत आता है, कहता है हमारे पास स्टील की गड़वी है, गड़वी की शेप अलग दिखाओ कोई ना कोई, वो डिमांड तो बोलती है क्या करें, जो सी डिमांड पूरी करने के लिए हम रखते बहुत ज़्यादा है, फिर भी कस्टमर कहता है नहीं जी और नहीं दिखा,
वो दिक्कत ही रहती है। ये हमने बात की धनतेरस पर कि आप धनतेरस पर क्या चीज़ें खरीद सकते हैं। हमने आप पहले आपको दिखाया कि क्या बर्तन लोग खरीदते हैं, क्या क्या बर्तन में वैरायटी खरीदते हैं। उसके बाद धनतेरस पर ज्वेलरी का बहुत क्रेज़ होता है लोगों को, तो वो भी आपको वैरायटी दिखाई है। तो आपका धनतेरस पर कैसे एक्सपीरियंस रहा है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन वरिंदर के साथ मैं रिद्धि भंडारी, पंजाब केसरी, जलंधर।